हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ हैरियर बर्ड्स। देखिए, अगर हम हैरियर बर्ड्स की बात करें तो ये एक सब स्पीसीज है हॉक की। हॉक को हम हिंदी में बोलते हैं पाज, उसकी ये सब स्पीसीज है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी पॉपुलेशन इंडिया में क्यों रिड्यूस हो रही है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। लेक्चर को फर्दर डिस्कस करने से पहले ये मैसेज सुनते हैं। क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ, तो 22,500 रुपए में घर बैठ के StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyiq.com। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक को। देखिए, जो हैरियर बर्ड्स हैं ये एक माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज है। इन्हें माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज और यूरेशियन कंट्रीज से इंडिया माइग्रेट होकर आती हैं। ठंड के टाइम पे, जब वहाँ काफ़ी ठंड रहती है, उस टाइम पे ये इंडिया माइग्रेट होकर आती हैं और इंडिया का जो ग्रासलैंड है वो इन बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। ये इंडिया आती हैं फॉर रूस्टिंग पर्पस। देखिए, रूस्टिंग और नेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रूस्टिंग का मतलब हुआ कि ये जो बर्ड्स आती हैं, ये इन जनरल आती हैं फॉर टेकिंग रेस्ट, है ना, या फॉर स्लीपिंग पर्पस। इसको हम कहते हैं रूस्टिंग, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ से ये माइग्रेट करके आती हैं इंडिया। अब इंडिया में जहाँ जहाँ ग्रासलैंड है उस समय, वहाँ पे ये बर्ड रूस्टिंग के लिए रुकती हैं। और ये बर्ड्स जो हैं, इनकी बहुत सारी स्पीसीज, लगभग 5 to 6 स्पीसीज इंडिया में आती है। और इनकी पॉपुलेशन अगर देखा जाए पहले तो काफ़ी ज़्यादा रहती थी। मतलब अगर विंटर्स में अगर हम ग्रासलैंड्स को विजिट कर रहे हैं तो ये जो हैरियर बर्ड है इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन जो अभी ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो हैरियर बर्ड्स हैं इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली रिड्यूस होती चली जा रही है। मतलब कि विंटर्स के टाइम पे इनकी जो पॉपुलेशन है जो इंडियन ग्रासलैंड्स में, वो काफ़ी कम है। तो देखिए, इस तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे ये आके विजिट करेगी, है ना। ये छोटे छोटे जो ग्रासेस हैं, ऐसे एरियाज ही इसको अट्रैक्ट करते हैं और ऐसी ग्रासलैंड्स में ये काफ़ी टाइम तक रहती है। इसके अलग अलग सब स्पीसीज हैं, जैसे मोंटागूज हैरियर। अब ये भी विंटर के टाइम पे इंडिया को विजिट करती है, तो ये है मोंटागू हैरियर। अब अगर आप देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो गुजरात में है, गुजरात में आती है, जो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पोर्शन है, महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पोर्शन है, कर्नाटका का ईस्टर्न पोर्शन है, तेलंगाना वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला, तो ऐसे ये जो रीजन है पूरा, यहाँ पे ये मोंटागू हैरियर आती है। दूसरा अगर हम देखें तो यूरेशियन मार्स हैरियर की बात करें तो पूरे इंडिया में ये हैरियर बर्ड आती है, है ना, विंटर्स के टाइम पे। अगर आप तो कुछ पार्ट वेस्टर्न राजस्थान का हटा दें और जो कुछ हिली एरियाज को हटा दें, तो ये पूरी जगहों पे ये जो बर्ड है ये देखी जाती है। दूसरा अगर आप देखें, जो मेल है यूरेशियन मार्स हैरियर, इसका जो ये जो मेल है, ये भी पूरे इंडिया में रहता है, ये भी पूरे इंडिया में, मतलब विंटर के टाइम पे पाया जाता है, है ना। अगेन, थोड़ा पार्ट वेस्टर्न राजस्थान और जो हिली रीजन है उसको अगर आप हटा दें तो हर जगह पे ये बर्ड है। दूसरा अगर आप देखें, पैलिड हैरियर, ये बहुत फेमस है, पैलिड हैरियर, ये भी विंटर्स के टाइम पे इंडिया को विजिट करता है और ये काफ़ी पोर्शन जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ भी है, इंडिया के सारे, इवन जो वेस्टर्न राजस्थान का जो रीजन है वहाँ भी ये बर्ड आती है। और इंडिया के ऑलमोस्ट सारी जगहों पे, अगर आप इस मैप में देखें, सारी जगहों पे ये बर्ड आती है। अब ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इनके नंबर, जैसे मोंटागू हैरियर है, या जो ये यूरेशियन, ये जो यूरेशियन मार्स हैरियर है, या पैलिड हैरियर है, ये जो बर्ड्स हैं इनके नंबर काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब जैसे जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, जो बर्ड्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता है कि इस टाइम पे ये बर्ड आ रही है या फिर इस एरिया में ये बर्ड्स मिलती हैं, तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो हैरियर बर्ड्स हैं इनकी विजिबिलिटी, मतलब ये जो हैरियर बर्ड्स हैं ये काफ़ी कम नंबर में दिख रहे हैं विंटर्स के टाइम पे, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। इसलिए जो रिसर्च भी चल रही है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो बर्ड है रूस्टिंग के लिए इंडिया नहीं आ रही है। तो अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट्स इन द वर्ल्ड फॉर पैलिड हैरियर,
और मोंटागोज हैरियर, तो इन दोनों ही बर्ड्स के लिए इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोस्टिंग साइट्स हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि विंटर्स के टाइम पे ये बर्ड्स काफ़ी दिखें, लेकिन नहीं दिख रही। इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है जिस वजह से इनके नंबर कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हमें स्टडी करना है और उसको हमें जानना है। अगर इंडिया में देखें तो 5 स्पीसीज हैं हैरियर की जो रिकॉर्डेड हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पाई जा रही हैं वो है पैलिड हैरियर और मोंटागो हैरियर। देखिए ये जगह है रोलापाडू बस्टर्ड सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश की जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखें मिड 1990s में लगभग 1000 बर्ड्स थी जो रोस्टिंग के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन 2016 में क्या रिकॉर्ड किया गया कि लेस देन 100 बर्ड्स हैं। तो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया आप देख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें जो हैसरघट्टा एक जगह है बेंगलुरु के थोड़ा आसपास के एरिया में, यहाँ पे वेस्टर्न मार्श हैरियर, इसके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। जो बर्ड वॉचर्स हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब वो इन जनरल विंटर्स में जाते थे और वो देखते थे इन बर्ड्स को, तो इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे, लेकिन अब ये जो है इनके नंबर्स काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब देखिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये बर्ड सेंट्रल एशिया से आती हैं, तो हो सकता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ये बर्ड्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इन बर्ड्स की पॉपुलेशन इतनी रिड्यूस नहीं हुई, तो इसका मतलब ये बर्ड्स इंडिया नहीं आ रहे हैं तो कहां जा रही हैं। हो सकता है कि जो ग्रासलैंड इंडिया में थे, जो उनके लिए हैबिटेट का एक तरीके से काम कर रहे थे, वो अब नहीं है, है ना, इस वजह से उन्होंने कोई और जगह देख लिया और जगह को ऑप्ट कर लिया है फॉर रूस्टिंग पर्पस। तो ये कंक्लूजन सामने आ रहा है, मतलब कि जो ये माइग्रेंट बर्ड्स हैं दे हैव फाउंड बेटर प्लेसेस टू रूस्ट देन इंडिया, है ना, इसलिए इंडिया नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंडिया तो एक ट्रेडिशनल रूस्टिंग साइट्स है ना, तो ऐसी बर्ड्स को जरूर आना चाहिए। तो देखिए कई सारे कंसर्न जो सामने आए हैं, पहली चीज़ तो जो ग्रासलैंड है उसका लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब कि जो ग्रासलैंड एरियाज हैं उनको एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज़ किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डाल दिया गया है, मतलब जो ग्रासलैंड एरियाज हैं उनका कंटिन्यूसली एनक्रोचमेंट हो रहा है। अब जब बर्ड्स आती हैं, है ना, तो फार्म लैंड्स को भी या तो बर्न किया जा रहा है या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो वहाँ भी ग्रासेस अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो इस वजह से भी जो है ये बर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रही हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है इन फार्म्स इन एंड अराउंड द रोस्टिंग साइट, जो उस जो रोस्टिंग साइट्स होते हैं उनके अराउंड जो ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, इस वजह से भी इनके नंबर काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं। कॉटन में काफ़ी सारा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तो इस वजह से जो ग्रास ऑपर्स होते हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अगर जो ग्रास ऑपर है जो कि हैरियर बर्ड के फूड का पार्ट है, तो अगर ग्रास ऑपर पेस्टिसाइड की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उस वजह से क्या है जो फूड चेन है वो अफेक्ट होगी और हैरियर बर्ड है हैरियर बर्ड भी अफेक्ट होगी, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ये जो बर्ड्स हैं हैरियर बर्ड्स हैं वो इंडिया नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी लिस्ट को देखें, तो लगभग ग्लोबली जो 16 हैरियर स्पीसीज हैं उनमें से सिर्फ 2 जो हैं उनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब जो ज़्यादातर हैरियर बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रही है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये ग्रासलैंड्स हैं जो फार्म एरियाज हैं जो रूस्टिंग साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जाए, और गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्टेप लेना चाहिए, जो सिटीजन्स हैं जो बर्ड वॉचर्स हैं उनको भी थोड़ा अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है ना, कि इन ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए जिससे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आती हैं उनके नंबर इतना ज़्यादा रिड्यूस ना हो। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हम यही स्टडी कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ऑलरेडी जो बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, लेकिन अब जो है दूसरी जगह से जो बर्ड्स आ रही हैं हमारी कंट्री में उनकी पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो रही है, तो थोड़ा ये सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में भी, है ना, कि उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस ना हो, हमें अपने जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जो हमारा इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उसको लेना चाहिए, सिटीजन्स हैं या गवर्नमेंट है इवन मीडिया है सिविल सोसाइटी है सबको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे कि जो हैबिटेट है इन बर्ड्स का उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सके। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हैरियर बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्यों रिड्यूस हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।